माइक लगा दे माइक रिकॉर्ड कर दे आराम जी। ये आज की सेलिब्रेशन का मतलब आज पहले तो आप सबका शुक्रिया जो आप इधर जहां पर आए हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे नौजवान कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी जम्मू कश्मीर में संभाली है। आज जो जितना भी हमारा पार्टी का कारकुन है वो ये खुशी मनाने के लिए जहां पर इकट्ठे हुए हैं और हम सब साथी अपनी तरफ से फारूक साहब को, उमर साहब को और जो कैप्टन हमारी बनी है सबको हम तह दिल से मुबारकबाद देते हैं और जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को बहुत बहुत मुबारक हैं। सरकार बनने जा रही है आज, लेकिन भाजपा का एलजी है, क्या लगता है कितनी मुश्किलें जो है उमर अब्दुल्ला के लिए होंगी? कोई मुश्किलें नहीं होगी। ये सरकार जो है लोगों ने अपना एतमाद दिया है और लोग पूरा ऑपरेशन करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूरे लोग हर पार्टी से, हर तबका ख्यालात से, हर रीजन से हमें उम्मीद है कि पूरा तावन देंगे और लोगों के तावन से ही ये सरकार चलेगी और अच्छी तरह से चलेगी। जिस तरह से दिल्ली के अंदर एलजी और केजरीवाल के बीच टकराव रहता है, तो आपको नहीं लगता कि जम्मू में भी इसी तरह से टकराव बना रहेगा? हमारा लीडर बिल्कुल टकराव नहीं चाहते हैं, वो रियासत की तरक्की चाहते हैं जहाँ पर ज़रूरत होगी, और वो हर वक्त सेंटर की मदद से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जो लोगों की भलाई के काम है, वो जम्मू का होगा, कश्मीर का होगा, रियासत के भले के लिए। कोई टकराव हमारे लीडर नहीं चाहते। लेकिन मैनिफेस्टो जो आपका है वो तो पूरा टकराव वाला है ना भाजपा के साथ, तो ऐसे में जब आप अपना मैनिफेस्टो लागू करेंगे तो भाजपा से टकराव होना तो निश्चित है। मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट हमने करना है इसी वक्त। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, वो वक्त के साथ होंगी, वो हमारा मशहूर है। लेकिन इस वक्त तमीर और तरक्की की बात है और रियासत जो चीज़ें दे सकती है वो हम देंगे। जो सेंटर से डिमांड करेंगे वो सेंटर ने देनी। मैनिफेस्टो की बात जो है सेंटर से डिमांड चलती रहेगी, वो सेंटर के साथ नेगोशिएशन चलती रहेगी। उसका ये मतलब नहीं है कि मैनिफेस्टो की वजह से हम टकराव में आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद।